नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 15 मई अपरा एकादशी, तुलसी में बांध देना ये एक चीज करोड़पति बना देगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने से सभी वन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट सभी दुख भी दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है, इसलिए 10वीं तिथि से ही शाम के समय यानी रात्रि में भोजन ना करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर दिशा की तरफ एक चौकी लगाएं, यानी पूर्व दिशा की ओर जहां पर पूजा पाठ, जहां पर भगवान की मंदिर हो, वहां पर एक कपड़ा बिछा करके और फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें, फिर दीपक जलाएं और कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची आदि उन्हें अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्रत की कथा पढ़ें। अगर व्रत का संकल्प लिया तो व्रत भी जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो एकादशी पर करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात का बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है, शुभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ आप जानते हैं तुलसी के नीचे एकादशी के दिन ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद, आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, माँ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है, इसी के कारण तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगणित। तुलसी के बिरबे को अमृत का भी रूप कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु यानी कि शिव त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अधिकांश यानी कि अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं, वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी को चुनरी नहीं उड़ाते जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, खासकर एकादशी के शुभ अवसर पर जरूर उड़ा के रखें, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं लेकिन मंगल का रंग है लाल, तुलसी का कारक है बुध, बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए
तुलसी जी को सफेद चमकीली या फिर नीली चुनरी जरूर ओढ़ाना चाहिए, अत्यंत शुभकारी माना जाता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माता तुलसी को हमेशा ओढ़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती, चुनरी के बिना माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से इस दिन सारे अभाव कलह पाप दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज़ कभी ना रखें। तुलसी के पास आप जूते चप्पल ना रखें, पोंछा ना रखें और भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा भूलकर भी ना रखें। दोस्तों, और गंदगी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, एकादशी पर आप तुलसी में एक लाल मौली धागा जरूर बांध दें। विशेष कोई मनोकामना है, चाहे कितनी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आप एक लाल मौली धागा ले लें और इस लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ लेकर बांध दीजिए और फिर आप इस लाल मौली धागा को ले जाकर आप तुलसी के नीचे बांध दें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपके सुख समृद्धि घर में बरसेगी, माता तुलसी की और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, कभी नहीं सताएगी धन, यानी कि धन की कमी, कभी भी गरीबी नहीं आएगी आपके पास, घर से कोसों दूर चली जाएगी, यहाँ तक कि दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। माता तुलसी और माँ लक्ष्मी कृपा से आपका घर सदैव अन्न धन से भरा रहेगा। तो एक लाल मौली धागा जरूर ले लें और इसे तुलसी के नीचे बांधे एकादशी के शुभ अवसर पर। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, घर से कष्ट गायब हो जाते हैं, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है और कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। घर में चारों दिशाओं से धन अन्न के भंडार भरे रहते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, लाभ की प्राप्ति होती है और धन वर्षा की प्राप्ति होती है। जीवन में आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। दोस्तों, भूलकर भी रविवार के दिन आप तुलसी पर जल ना चढ़ाएं और आप प्रत्येक शाम को तुलसी के नीचे दीपक जरूर जलाएं, खासकर एकादशी पर। दोस्तों, एकादशी के शुभ अवसर पर शाम के समय यानी कि दीपक जलाने से माता तुलसी और माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर खींची चली आती हैं और आपके घर से नकारात्मक जो ऊर्जाएँ होती हैं वो दूर कर देती हैं। तो एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके फिर एक लोटा जल में थोड़ा यानी कि एक लोटा में जल ले लें और इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से आप यानी कि लाल पुष्प डाल लें, थोड़ी सी आप यानी कि चाहे तो मिश्री भी डालकर तुलसी पर चढ़ा दें। ऐसा करने से भी लाभ होता है, लेकिन एक लाल मौली धागा जरूर तुलसी पर बांध दें। चुनरी है तो चुनरी बांध दें, अगर चुनरी नहीं है तो एक लाल मौली धागा जरूर बांध दें। इससे माता तुलसी प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। तो ये एक साधारण सा उपाय जरूर करें दोस्तों, इससे बहुत लाभ होगा। दोस्तों, करोड़पति बनते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।